Good evening, ladies and gentlemen. My name is Vineet, and I will be your host for this evening. Today, we are very fortunate to have some amazing singers with us. It's going to be a musical evening. You have met Mohammed Wakil Saab before, but today I have two more amazing singers with me. I have Shadab Faridi Saab and Altmash Faridi Saab, jinke gaane aap logon ne sune hain. नाम लूं तो सुल्तान फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था वो भी उन्हीं का था. तो मैं एक एक करके बुलाता जाऊंगा. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शादाब साहब और अल्तमश साहब को. प्लीज उनको वेलकम करें. आदाब सर, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड. सो नाइस टू सी यू सर. थैंक यू सो मच सर. मी टू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर. अरे सर बिल्कुल, खुशकिस्मती. इधर इज ऑन माइंड. Let me also invite Mohammed Wakil Saab as well, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं मेरे साथ, और जो कि जिन्होंने धमाल मचाया था सारेगामा पा में, और न केवल फिनाले उसका जीता था बल्कि उसका ग्रैंड फिनाले भी जीता था. तो मैं बुलाना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा मोहम्मद वकील साहब को. प्लीज वेलकम मोहम्मद वकील साहब. नमस्कार विनीत जी, कैसे हैं आप? सर दुआएं हैं आपकी और आपके दीदार हो रहे हैं, तो इसमें क्या बात हो सकती है? नवाजिश नवाजिश. आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है. दिन अच्छा इसलिए है कि हमारे दो भाई जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे खानदान के बिलोंग करते हैं, जिनसे ना सिर्फ मेरे और हमारे बुजुर्गों के इनसे रिश्ते रहे हैं, वो हमारे स्टेज पे आज तशरीफ लाए हैं. तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. हमारे शादा फरीदी भाई और अल्तमश फरीदी भाई, आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस पेज पर. और शुक्रिया मेरे बड़े भाई वकील भाई. ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप इतनी हमारी तारीफ कर रहे हैं, जबकि हम आपके सिर्फ छोटे भाई हैं. बाकी हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है. ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, ये बात ठीक है. हम खानदानी है, पर अभी हमारी शुरुआत हुई है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं. और माशाल्लाह आप खुद इतने गुनी खानदान से हैं और आप खुद इतने गुनी हैं जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं. वकील भाई को तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बचपन से सुनता आ रहा है, जो हमारी जनरेशन के लड़के हैं. और वकील भाई जो माशाल्लाह जो जिस परिवार से हैं, जिस खानदान से हैं, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद सिंह खां साहब, जिनको सुन सुन के पूरी हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने गज़ल गाई है, और एक गज़ल को एक अलग रूप मिला है दुनिया में कि इस तरह भी गज़ल हो सकती है. तो वही सिलसिला माशाल्लाह खानदान का नाम रोशन, उसके बाद उनके अल्लाह उनको कायम रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने तो किया ही है. उसके बाद अभी हमारे वकील भाई और इनके छोटे भाई और भी जो हैं, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनको सुन सुन के, वकील भाई को सुन सुन के हम लोग सब गा बजा रहे हैं जो आज की जनरेशन. ये आपका प्यार है भैया. देखिए होता ये है कि आप और हम, आपको हमें एक ही चीज बताई गई है आपके बुजुर्गों ने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी, कि सबसे पहला करीना है तहजीब तमीज. गाना बजाने से पहले तमीज जरूरी है. और मैं उसके अलावा ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ साथ जो हमारे विनीत जौहरी साहब हैं, जो एक बहुत बहुत अच्छी बड़ी शख्सियत थे लंदन के, तो जब मैंने उनसे इसरार किया कि हमारे दोनों भाई तशरीफ आ रहे हैं हमारे स्पेस पर, आप थोड़ा वक्त निकालिए ताकि हमारे साथ साथ आप भी ज्वाइन करें और थोड़ी गुफ्तगू हो उनके सफर के बारे में, थोड़ी मेरे सफर के बारे में, और थोड़ा गुनगुनाएं. वाह वाह, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है सर, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है कि आप जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ मेरा जो है वो थोड़ी देर का सही लेकिन साथ हो पा रहा है, बहुत बड़ी बात है. तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत करने से पहले कोई एक गुनगुनाना, कुछ गाना कुछ हो सके, जिससे कि आवाज जबरदस्त हो सके? कोई भी, ये हमारे बड़े भाई मौजूद हैं तो शुरुआत बिस्मिल्लाह करें. विनीत जी, मैं जब सारेगामा में गया था तो सारेगामा में जो हमारे उस्ताद साहब हैं, उन्होंने मुझे मेगा फाइनल नहीं, उससे पहले मुझे एक कंपोजिशन याद कराई थी, वो मैं बचपन से गाता चला आ रहा हूँ और बड़ी पसंद है मुझे. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी दो लाइन है. प्लीज सर. बिल्कुल बिस्मिल्लाह. Oh, my God.
हम फकीर से दुआली जय हम फकीर हवाले जय हम से बहुत टाइम के बाद एक टाइम था हम लोग एक साथ कुछ टाइम रहे हैं, हमारे बड़े भाई वकील भाई, जब वकील भाई रियाज करते थे सुबह सुबह तो एक मजा ही कुछ और होता था, तो मुझे वो पुरानी यादें ताजा हो गई वकील भाई आज। जी, याद जी, है आपको करजत में करजत में हम लोग सुबह सुबह जाते थे सेट पे और हम लोग 5-6 बजे वहां पहुंच जाते थे और उसके बाद वकील भाई सब लोग वकील भाई के पास बैठे हैं और वकील भाई ने हारमोनियम हाथ में और वकील भाई का गाना बजाना चल रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या टाइम था उस टाइम को। आई थिंक 12 साल हो गए। जी 10-12 साल हो गए, बिल्कुल हो गए। हां 2008 की बात है भाई। वाह जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर देखिए माहौल का तो ये होता है कि आपके हमारे घरों में तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बचपन से ही आपके घर में भी हमारे भी घर में हमारे जो उस्ताद साहब हैं उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, हमने उनको देखा बचपन से, मेरी परवरिश ही हुई। तो हमारे नाना उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले हमारे उस्ताद की रियाज कर रहे हैं, तो आप हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और हमें संगीत घर में ही मिला, विरासत में मिल गया मालिक के करम से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विनीत जी अब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे हमारे विनीत जी। बस सर मैं यही, आपका जो ये म्यूजिकल जर्नी है इसके बारे में सर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान में काफी लोग आपको जानते हैं, यहाँ भी लोग जानते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि आपके बारे में जान पाए, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे बताइए सर आपके जो आपके रिहाइश कहाँ की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे आपकी एजुकेशन हुई, थोड़ा सा कुछ बचपन से शुरुआत करें सर जिससे कि हमें जानकारी मिले कि आपका बचपन कैसा बीता, आप कहाँ से हैं आप। ये सर मैं शादाब साहब से पूछ रहा हूँ, वकील साहब। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अच्छा 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 जी विनीत सर जी, हम लोग सहारनपुर से बिलोंग कर रखते हैं। ये यूपी में है सहारनपुर। बिल्कुल सर, मैं मेरे जो बाबा हैं वो पीलीभीत के हैं। अच्छा पास में ही है हमारे। हाँ, तो पास ही में है। जी जी, ये सहारनपुर यूपी में आता है, पर इसके नजदीक जो काफी ऐसे शहर हैं जिनका बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा नाम है, सहारनपुर का भी बहुत ज्यादा नाम है, पर जैसे देहरादून और मसूरी का बहुत ज्यादा नाम है, तो वो हमारे बिल्कुल नजदीक है। दिल्ली से भी 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो हमारे
जो बचपना है वो सहारनपुर में गुजरा है, पर मुझे काफी टाइम हो गया है बॉम्बे आकर, बिकॉज पापा सहारनपुर में थे और हमारे कुछ रिलेटिव्स, हमारे अंकल्स वगैरह वो यहाँ पर थे। मेरे जो अंकल हैं साबरी ब्रदर्स, वो हमारा सिलसिला है पूरा, मेरे अंकल काफ़ी उन्होंने कव्वाली गाई है, तो मैं उनके पास ही आके यहाँ बॉम्बे में रहा। सबसे पहले मैं आया, उसके बाद फिर अल्तमश आया, फिर हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आके सेटल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पापा का काम वहीं पर था, क्योंकि पापा भी परफॉर्मेंस करते थे, पापा भी आर्टिस्ट ही थे। अच्छा। थे, अब तो थे हो गया है, क्योंकि उनके जाने के बाद ये पहला लाइव है मेरा हम दोनों भाइयों का। वकील भाई से हमारी काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी, वकील भाई का प्यार है, उनकी मोहब्बत है, कि वो बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे शादाब हमें साथ में एक लाइव करना है, ये करना है। बस उसी दौरान अल्लाह की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी के पापा हमें छोड़ के चले गए। अचानक ही सेम डे उनकी तबीयत खराब हुई, 2-3 घंटे में ही काम हो गया ऊपर वाले की मर्जी। बस क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उस दौरान लाइव नहीं आ पाए जून में। फिर उसके बाद हमें अलग ही दुनिया हो गई, हमारी अलग ही निज़ाम बन गए। दिल दिमाग सही नहीं है तो आदमी क्या गाना बजाना क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा इंसान। उनकी दुआओं का ही सदका है सब कुछ, बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें कुछ आता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। सब उस मालिक की नवाजिशें हैं, अल्लाह की नवाजिशें हैं, और माँ बाप की दुआओं का और बुजुर्गों की दुआओं का सदका है कि आज आप लंदन में हैं, वकील भाई जयपुर में हैं, और हम बॉम्बे में हैं। देखिए यार, हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के कितने ही लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल ये अल्लाह की नवाजिशें हैं और उनकी दुआओं का सदका है। म्यूजिक से आपका लगाव कैसे फील हुआ? जिन लोगों के साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो लोग कभी भी नाकामी भी नहीं देख सकते, हमेशा उनको कामयाबी मिलती है, क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली जाती नहीं। बिल्कुल, बेशक बेशक, ये सब उनकी दुआओं का तो सदका है। और आप दोनों का नाम है माशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वकील भाई आपको तो पता ही है हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, ये सब उनकी दुआओं का ही तो सदका है, नहीं तो कोई इतना बड़ा या कोई इतना अनोखा गाना नहीं गा रहे हम। हमसे बहुत अच्छा अच्छा गा रहे हैं बॉम्बे में, और बहुत बड़ा बड़ा गाना गा रहे हैं लोग बाग, और बहुत कमाल का गाना गा रहे हैं ये, पर ये सब अल्लाह की नवाजिशें हैं और उनकी दुआओं का सदका है कि आज बॉम्बे जैसे शहर में उस मालिक के करम से कि आज थोड़ा बहुत लोग प्यार करते हैं, लोग जानते हैं, तो सब उनकी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है, और उसकी नवाजिशों के अलावा। क्योंकि अगर हम अपनी जी मैं ये करते भाई, आपकी लोग सुनने के लिए बेकरार रहे हमारे पेज पे, तो जरा कुछ बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा था। इसकी साउंड की आवाज से क्या रही है? जी है ठीक है ठीक है जी। वकील भाई मैं और विनीत जी, वकील भाई अभी जो सॉन्ग मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सॉन्ग हमने एक फिल्म आई थी गुंडे, रणवीर सिंह अर्जुन कपूर की, उसमें हमने ये कव्वाली गाई थी। बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है वो कव्वाली का ही है, हमारे वालिद साहब कव्वाली करते थे, हमारे चाचा, हमारे दादा, परदादा, हमारे बुजुर्गों से हमें ये विरासत में मिला है। और ये कव्वाली जो है, ये सॉन्ग मूवी में आया था गुंडे में, रणवीर, अर्जुन, इरफान खान और प्रियंका चोपड़ा पर। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए, वकील भाई इजाजत, विनीत सर इजाजत। मौला
गुनाह मेरे बड़े है तेरा दिल भी बड़ा, 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 यकीन है माफ करेगा तभी हूँ दर पे खड़ा, मन कुन तो मौला पास अलील मौला, मन कुन तो मौला पास अलील मौला, मन कुन तो अली मौला तेरा दर है मेरा सर है, तेरा दर है मेरा सर है, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा अली वली, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा अली वली, मन कुन तो मौला फाज अली मौला, मन कुन तो मौला मौला तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है, तू अगर साथ ना हो तो फिर, तू अगर साथ है मुझको तो फिर कमी क्या है, मौला जो गुजरे वो जिंदगी क्या है, तू अगर साथ है मुझको तो कमी क्या है, राह मुश्किल में मैं हंस के गुजर जाऊंगा, तू अगर साथ ना हो तो मैं किधर जाऊंगा, मन कुन तो मौला फाज अली मौला, कुन तो मौला Ali
थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, क्या रूहानी आवाज है, रोंगटे खड़े। साउंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉल्यूम ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है, कम है वॉल्यूम? जी जी जी, इसको थोड़ा आगे ले आओ। कुछ लोगों की ये, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सुनाई दे रही है और पूरा मजा पूरा आ रहा है। आवाज कितनी भी कम आए लेकिन मजा पूरा। बहुत शुक्रिया जी, अभी आवाज बढ़ा रही है उन्होंने आवाज। अभी थोड़ा सा उसे कोशिश करते हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है पूरा मजा आया, बहुत बेहतर जी। बेशक जी सर, भाई थोड़ा आगे सारी चीजें हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों तक कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। उमर भाई हमारे काफी बहुत सुंदर आर्टिस्ट हैं, बहुत गाते भी बहुत कमाल हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं और ये हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, मेरे बाजू में ही रहते हैं, इसलिए लॉकडाउन चल रहा है, किसी दूर से तो किसी को बुला नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने ये मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा मेरे बैंड में हैं, जो हमारे लाइव परफॉर्मेंस होते हैं उसमें भी साथ रहते हैं। चलिए ये अच्छा हो गया काम हमारा। जी जी जी, अभी आवाज बड़ी थोड़ी बड़ी और बोलिए, अभी ज्यादा आ रहा है जी विनीत सर। जी जब गाएंगे तब पता चलेगा, आवाज थोड़ी बेहतर तो हुई है जी जी जी, पर जब गाएंगे तो सही पता चलेगा। चलिए ठीक है, आपका सर थोड़ा सा नीचे बैठ सकते हैं सर, आपका नीचे बैठता मेरा वो लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो। जी 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 सर, बहुत आप ठीक है जी जी जी, हुकम कम 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 जी सर। तो ये जो आपका फिल्मी गानों का सफर है उसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कौन कौन सी, अभी आपने जो इतना बेहतरीन गाना सुनाया उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में आपने जो आवाज दी है, तो उनके बारे में हमारे को अपने सफर के बारे में बताएं सुनने वालों को। जी, मेरी शुरुआत हुई कैरियर की इंडस्ट्री में 2007 से। जी 2007 में एक फिल्म आई थी तुम मिले, इमरान हाशमी की, उसमें प्रीतम दा का म्यूजिक था और उसमें मुझे पहली बार प्रीतम दा ने कुछ लाइनें थी जो कि सॉन्ग जावेद अली ने गाया था, जावेद भाई ने, और उसमें मुझे प्रीतम दा ने अपॉर्चुनिटी दी थी कुछ लाइनें गाने की। बहुत ही प्यारा गाना था, गाना बहुत बड़ा हिट भी हुआ था, तू ही हकीकत ख्वाब तू। उसमें मैं, मोहम्मद इरफान और जावेद भाई, हम लोगों ने वो गाना गाया था। उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, जी जी, रणबीर कपूर की, उसमें प्रीतम दा ने कुछ लाइनें मुझे गवाई थी। इसी तरह धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके बाद एक फिल्म आई रण, अमिताभ बच्चन जी की, जिसमें मैंने अपनी लाइफ का पहला सोलो सॉन्ग गाया था बच्चन साहब के लिए, तो वो मेरा सोलो गाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियलिटी शो किए, जैसे हमने एक शो किया था जुनून कुछ कर दिखाने का एनडीटीवी इमेजिन के लिए, जिसमें हमारे बड़े भाई वकील भाई भी साथ में थे जी, और हमारा बहुत ही कमाल का सफर था। हमारा साथ में जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही कमाल था, बहुत ही यादगार था, मतलब मेरी लाइफ का अभी तक का बेस्ट सफर था वो, जितना भी मैंने काम किया है, क्योंकि उस शो में जितने भी लोग साथ में थे वो बहुत ही गुणी लोग थे, वकील भाई, हर्षदीप, मालिनी अवस्थी, जसविंदर भाई, करेक्ट वकील भाई, बिल्कुल शारिब, अंतरा, मित्रा, ये सब, मतलब जितने भी लोग उस शो में थे आज वो सब इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड हैं, जितने भी लोग उस शो में थे अपनी अपनी जगह पे, सबका एक अपना मकाम है माशाल्लाह। वो ऐसा जी, सलीम सुलेमान साहब के साथ भी काफी काम किया आपने। हाँ, उसके बाद वो फिर जुनून के बाद मैंने रियलिटी शो किया था म्यूजिक का महामुकाबला स्टार प्लस के लिए, जिसमें मैं फाइनल तक पहुंचे थे हम लोग, मैं शान भैया की टीम में था उसमें, और उसके बाद फिर मेरी जर्नी अलग स्टार्ट हुई लाइव शोज की, तो वहां से मेरे लाइव शोज स्टार्ट हो गए थे, और उसके बाद सलीम भाई के लाइव के पहले शो से मैं उनके साथ में था, सलीम सुलेमान भाई, फिर मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट
फाइव से सिक्स इयर्स तक कंटिन्यू परफॉर्म किया, पर फिर ऊपर वाले के कर्म से, माँ बाप की दुआओं से मेरे खुद के सोलो शोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मुझे मजबूरन मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ी सलीम भाई से के, क्योंकि डेट क्लैश होती थी, सेम डेट के मुझे शो आ रहे हैं, सेम डेट के सलीम भाई के, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अभी अपना करना है, तो मेरा एक बैंड बनेगा, फिर वो बैंड में 10 लोग काम करेंगे साथ में, तो मुझे भी एक, तो सलीम भाई ने मुझे, वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और उन्होंने बोला शादाब डेफिनेटली तुम करो, तो उसी तरह फिर मैं धीरे धीरे कम किया, और फिर अपने ही 2015 से मेरे फिर खुद के लाइव शोज टचवुड स्टार्ट हो गए थे, और फिर हम लोग शादाब भाई जिस तरह के आप और हम शोज करते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, तो विनीत जी ने भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया था, इनके साथ मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया है, वैसे तो हम बहुत शोज करते हैं उसका खराब ऊपर वाले का, लेकिन कोई ऐसा शो होता है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस होती है, जैसे मैंने इनको बताया था, फिर आज फिर शेयर करना चाहूंगा मैं, कि मैंने वैसे तो अल्लाह का करम है जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें जगजीत सिंह साहब, पंकज दास साहब, अनुपम लोढ़ा जी, तरह साहब, श्रेया सुनिधि, फिर सबके साथ कोई नहीं बचा हुआ है भाई, कोई नहीं बचा हुआ है जिन्होंने आपको नहीं सुना है, आपको लेकिन एक के सुना है, मैं सब, मुझे सब पता है, उस्तादों का दो आशीर्वाद है। तो एक कॉन्सर्ट ऐसी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जब मैंने दिल्ली में 19 मार्च 2001 में लता जी के सामने हाजिरी देने का मौका मिला 1.5 घंटा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि जब मैंने उनके सामने हाजिरी दी। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा होगा, ऐसा शो होगा जी, वकील भाई ऐसे तो वैसे माशाल्लाह काफी अल्लाह का करम है, क्योंकि मैंने सलीम भाई के साथ, हाँ सलीम भाई के साथ भी बहुत काम किया, और पिछले मैं समझो 10 साल से पापा के साथ भी बहुत काम किया, पापा के साथ बहुत सारे स्टेज किए, पर एक शो मेरी लाइफ का बहुत यादगार है जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और अब तो वैसे भी मेरे वालिद साहब भी साथ में नहीं रहे, हमारे होम टाउन में हमारा लाइफ का पहला शो हुआ था। अच्छा, सहारनपुर में। सहारनपुर में, और हमारे पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि सहारनपुर के लोग हमें सुने, बिकॉज पापा का होम टाउन, पापा का पूरा बचपना, पूरी जवानी वहीं पर गुजरी है, तो और पापा ने भी वहां पर बहुत परफॉर्म किया है, तो जब हमें थोड़ा हमें पहचान मिली, और अल्तमश एक शो का विनर बना था, अल्तमश उसमें रविंदर जैन जी जज थे, और वो रविंदर जैन जी का ही शो था, और शर्वण जी उस शो में जज थे, तो अल्तमश विनर बना, फिर मेरा एक शो आया म्यूजिक का महामुकाबला, तो उन दोनों के बाद एक टीवी पे आने के बाद एक थोड़ी पहचान दोनों की बन गई, तो हमारे शहर में हमें, शहर वालों ने हमें इनवाइट किया, तो जब पापा, एक्चुअली वो पापा के थ्रू ही इनवाइट किया उन्होंने, वो पापा के ही दोस्त थे, तो हमारे पास तो जो भी कोई कॉल आता था मेरे पास ही आता था, तो मैं उनसे पैसे मांगता था, पर पापा ने बोला ये शो में पैसे नहीं चाहिए, लेने हैं तुम्हें, और वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हें सिर्फ वहां पर गाना है, तो वो शो लाइफ का ऐसा है कि सिर्फ पापा की खुशी के लिए वो शो किया गया था, अब से 10 साल हो गया 9 साल 2011 में, और वो शो ऐसा था कि मेरे पापा लिटरली पूरे शो में रो रहे थे, और उनके लिए वो ऐसा मकाम था कि आप यकीन करें विनीत जी और वकील भाई कि इतनी गर्मी पड़ती है हमारे शहर होम टाउन सहारनपुर में जैसी हमारे जयपुर में पड़ती है, आपको तो पता ही, तो इतनी गर्मी थी भयानक, और ऑडिटोरियम में शो था, हम दोनों भाई पसीने में नहा रहे थे, और उसके बाद सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ऊपर वाला झूठ ना बुलाए, सिर्फ लोगों ने फोटो निकलवाए हमारे साथ, और हम भागे नहीं वहां से, पापा ने बोला एक एक बंदे को फोटो देना है, सिर्फ पापा की खुशी के लिए वो शो किया था, और वो जिंदगी का बेस्ट शो रहेगा शायद, अब क्योंकि पापा साथ में, सही बात, लेकिन उनकी यादें, उनके सामने आपने गाया उनके शहर में, तो आपके वालिद साहब के लिए वो लम्हात इतने यादगार होंगे कि उनका, मेरी बच्ची मेरे शहर में गा रहा हूँ, इतना अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह, नहीं, नहीं वो प्राउड मोमेंट, वो प्राउड मोमेंट भी कुछ और था ना, क्योंकि उससे पहले हमें ज्यादा पहचान नहीं मिली थी, और उससे पहले हम लोगों ने ज्यादा शो भी नहीं किए थे, ना अल्तमश ने ना मैंने, तो पापा के सामने वो देखा जाए तो हमारा पहला शो था, और पापा ने ऑडियंस को देखा कि फुल एकदम पैक ऑडिटोरियम, और लोग पागल, एक शेर पे, एक गाने पे, फिर पहले हम लोगों ने आधे पौन घंटे लोगों को बैठ के सूफी सुनाया, फिर लोगों को थोड़ा हल्के हल्के थोड़ा गर्म किया शो को, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1.5 घंटे कंटिन्यू नचाया लोगों को, जो हमारा बॉलीवुड स्टाइल है, जो पंजाबी गाने ये सब होते हैं,
तो फिर हम लोगों ने स्टेज पे बुला के लोगों को नचाया, तो वो पापा ने देखा और ऑडियंस ने देखा, तो एक पापा के लिए तो मतलब ये मोमेंट था कि लोग जितनी भी ऑडियंस थी वो सारे पापा को आके मुबारकबाद दे रहे हैं, पापा के हाथ चूम रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, मतलब वो लिटर बस वो रो रहे थे और हमें देख रहे थे। तो वो उसके फोटो भी है मेरे पास, वीडियोज भी हैं उसकी शो की, तो एक मोमेंट ही कमाल था वो। उसके बाद वैसे पापा ने काफी शो हमारे साथ, पापा गए हमारे साथ आउट ऑफ कंट्री और इंडिया में भी किए, पर वो शो क्या था कि अपने होम टाउन में था, सहारनपुर में था, और पहला शो था, तो उसकी बात ही कुछ और थी। देखिए हमारे उस्ताद साहब बता रहे थे, उस्ताद अहमद हुसैन मोहसिन साहब, विनीत जी मैं आपसे कहना चाहूंगा जी सर, हमारे उस्ताद साहब ने एक वाकया बताया कि एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे मोहम्मद याकूब, तो अल्तमश भाई सुनने की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो याकूब साहब ने कहा कि जब कभी आप किसी प्रोग्राम में गाएं और आपका शो बहुत अच्छा हो जाए, उसके बाद जाहिर सी बात लोग आपसे मिलने आते हैं, तो ये भी उसका कर्म होता है कि लोग आपसे मिलने आते हैं, कोई फोटो चाहता है, कोई ऑटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ, तो आप सबको बड़े प्यार से ऑटोग्राफ फोटोग्राफ दें, लेकिन जब आप सबसे इन सब चीजों से फ्री हो जाए तो एक अलग साइड में जाके अकेले और ऊपर वाले से दुआ करें कि ये जो कुछ भी मुझे मिला, चाहे मेरा शो अच्छा हुआ, चाहे मुझे लोग मिलने आए, ये मैं नहीं था, ये तू था कि तूने मेरी इज्जत, बेशक 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 बेशक। तो अल्तमश भाई मेरी गुजारिश है आपसे, सुल्तान जून का गाना भाई हमारे पेज पे सब लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने मुझे बात छीन ली मेरे। वकील भाई सुल्तान भी होगा और भी बहुत सारे गाने होंगे, बट मैं उससे पहले ये चाहूंगा मैं कि मैं अल्तमश का एक गाना जो है जो बहुत बड़ा हिट हुआ है अल्तमश का इस साल जी, जो अल्तमश का एक गाना बहुत ही बड़ा हिट हुआ है फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, ये ड्रीम गर्ल का गाना था, अल्तमश ने गाया था आयुष्मान खुराना के लिए। तो मैं चाहूंगा पहले ये सुनाऊं उसके बाद सुल्तान सुनाऊंगा, हो जाए जी सर प्लीज। Concert music player. Line in. Ek mula. No. Dream galo. Main bhi hoon tujhe hai. Concert music player. भाई इधर करो ना, नहीं इधर नहीं होगा वो, एक सेकंड सिर्फ एक मिनट जी। Concert music player. Line in. Hello. Hello. ठीक है जी जी जी। एक मुलाकात में बात
की बात में उनका मुस्कुराना गजब होगा। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में गजब हो गया। हो एक मुलाकात में बात ही बात में उनका मुस्कुराना गजब हो। वकील साहब लगता है उनका कुछ किसी वजह से वापस आ गए। उनका साउंड कुछ गड़बड़ है। शादाब भाई आपकी आवाज हम लोगों को नहीं आ रही है। शादाब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक्रोफोन किसी वजह से डिस्कनेक्टेड है। नहीं वो शायद इसका मतलब ये कि शायद उन्हें हमारी आवाज भी नहीं आ रही, नहीं तो वो शायद उस चीज को सुन पाते। तो बड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है शादाब साहब। किसी वजह से उनकी आवाज जो है वो बीच में कट हो गई और इतना जो मेलोडियस गाना चल रहा था वो हम लोग मिस कर रहे हैं बीच में। शादाब भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम लोग जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं आपको। हाँ उनका माइक्रोफोन जो है वो कुछ सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही बिल्कुल, बीच में किसी वजह से। आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही हो तो थम्स अप दें। शादा भाई आप कुछ बोलिए तो पता चले हमें। नहीं फिर से गड़बड़ हो गई। शादाब भाई कुछ बोले तो हमें पता चले आपकी आवाज आती है कि नहीं। नहीं कुछ नहीं आ रही। नहीं कोई आवाज नहीं आ रही सर। कुछ माइक किसी वजह से उनका है तो डिस्कनेक्टेड है या लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए सर। लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। शायद उससे जो कहीं माइक्रोफोन म्यूट हो गया है किसी वजह से वो वापस शायद चालू हो जाए। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। हम वी कैन नॉट हियर यू, हम सुन नहीं पा रहे हैं। नो वी कैन नॉट हियर यू। आप दोबारा वो दोबारा लो तब तक आपसे बातचीत करते हैं। वकील साहब इतने दिन हो गए आपसे बातचीत करते हुए। जी सर आप सुनाएं कैसे चल रहा है लॉकडाउन में, अभी कहां तक पहुंची गाड़ी, क्या 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 रहा सर? जयपुर के हाल तो अभी ये है कि जयपुर में थोड़ी रियायत है बनिस्बत मुंबई के, तो अभी जयपुर में बस मैंने एक दो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं और उसका वीडियो भी तैयार होने वाला है। उस वीडियो पे काम चल रहा है, 50% उसका काम हो चुका है और अभी 50% पे काम बाकी है। अभी तो बस देखते हैं, थोड़ा टाइम हो जाएगा तो उसको रिलीज करेंगे, लेकिन अभी हालात पहले से बेटर है। यहाँ बेटर शादाब साहब जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको वापस लाने की कोशिश करता हूं, देखें आवाज आ रही है। जी सर शादाब भाई आप बोलें कुछ तो पता चले आवाज आती है कि नहीं। नहीं सर आपकी कोई आवाज नहीं आ रही सर, किसी वजह से आपका जो माइक्रोफोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो गया है सर, तो कुछ कोई टेक्निकल। हाँ जी सर चलिए वो लोग जब जुड़ेंगे तो उनसे बात जारी रखेंगे। आपके पिछले दिनों में देख रहा था काफी आपके कन्वर्सेशंस जो हैं वो बीच में चलते रहे हैं और बहुत आपने जो है वो लोगों को काफी एंटरटेन करते रहे हैं
पूरे लॉकडाउन के दौरान, जो कि बहुत अच्छी बात है, कुछ बताएं उसके बारे में, किन लोगों से आपकी बातचीत हुई। जी मेरा जो अपना पेज है उसमें हमारा मकसद एक ही, मेरे तो खुद का पेज है तो मेरे तो उसमें लाइक भी ऑलरेडी है, मेरे कुछ वीडियोस हैं, सॉन्ग्स बहुत सारे मेरे इस पेज पर। लेकिन मैंने कोशिश करी कि ये कोशिश की कि जितने भी और आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको हमारे इस पेज पे लाएं, और लोगों का जो स्ट्रेस है इस कोरोना की वजह से उसको कम करने की कोशिश है। तो हमारे जितने आर्टिस्ट भाई हैं उनका सबका बहुत प्यार है, जिन्होंने कई लोगों ने क्लासिकल किया, कई लोगों ने सेमी क्लासिकल किया, कई लोगों ने गजल गाई, कई लोगों ने कव्वाली गाई, किसी ने भजन गाया। तो बस मकसद यही है कि अच्छा संगीत लोग सुनते रहे जब तक कि ये टाइम चल रहा है। और बस मैं एक बात और कहना चाहूंगा मेरी जी के सब कुछ शुरू हो चुका है, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम, पूरा मार्केट खुला है। सिर्फ गवर्नमेंट ने अगर कुछ नहीं किया है अब तक, किसी बारे में नहीं सोचा है, वो है संगीत। संगीत के लोगों के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीएम साहब, श्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि सर प्लीज आप शुरू कीजिए संगीत, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। हमने शुरू से अब तक किए और हम करेंगे, तो संगीत में भी हो सकता है। संगीत में भी अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जिस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है 1000 की, 1000 की, उसमें 500 लोग बैठ सकते हैं, दूर दूर संगीत शुरू हो सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है खाने की सर्वाइव करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप संगीत शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी काम संगीत के बगैर होता नहीं है। शादा भाई जुड़ चुके, आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, आपको आ रही है? जी अभी आ रही है। आपकी आवाज सुनने को तरस गए सर हम लोग। जो गाना, आधा गाना तो सही गया, फिर उसके बाद हम लोग आवाज नहीं आ रही। अल्तमश, हेलो जी, आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है भाई? आ रही है सर, आ रही है आवाज आपको? हमारी आवाज आ रही है? हां हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो, शादाब साहब हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है शादाब भाई? एक बार वो कॉल आता है ना? हाँ कॉल आता है, एक मिनट जाओ। हेलो, वो लगता है उनका किसी वजह से फोन और इसके बीच में वो जगल कर रहे हैं, तो उनको कभी हमारी आवाज उनको नहीं जा रही है, कभी उनकी आवाज हमको नहीं आ रही है। तो मैं इस मुद्दे पे था कि हमारी सरकार को चाहिए कि वो प्लीज संगीत को शुरू कर दे। काफी आर्टिस्ट डिप्रेशन में चले गए, कोई अपने सांस बेच रहा है, आदमी कब तक बैठे बैठे खाएगा सर, पैसा तो खत्म होगा ना। तो संगीत के बगैर तो कोई होती नहीं कोई चीज, चाहे हमारा नेशनल एंथम हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई एड देख लीजिए आते टीवी पे, वो देख लीजिए, शादी, किसी के एंगेजमेंट, किसी की बर्थडे, कोई भी संगीत के बगैर होती नहीं है। तो सरकार से मैं बहुत हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप संगीत शुरू कर दीजिए। इस बारे में सोचिए कि लोग कितने परेशान है, सर प्लीज आप संगीत शुरू कीजिए ताकि लोग दोबारा से उनको इनकम हो किसी तरह। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। एक्चुअली जो हम लोगों की सोसाइटी है उसमें म्यूजिक का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे पैदा होने से लेकर के और इंसान के जाने तक म्यूजिक का रोल हर मौके पर है। और जो म्यूजिशियंस हैं बेचारे, उनका कोई और ऐसा कोई जरिया तो है नहीं आमदनी का, वो तो यही इसी पे रिलाय कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो जीवन यापन है वो कर सकें और अपनी लिविंग को, अपनी फैमिली को, सबको लुक आफ्टर कर सकें। बहुत सही बात है, आई एम श्योर कोई ना कोई इस बारे में भी सोचेगा। शादाब साहब फिर जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनकी आवाज अब हमें आती है कि नहीं। जी शादाब साहब। जी आ रही है आपको मेरी आवाज? मुझे पता चल गया आपको आवाज आ रही है। जी मुझे बहुत अच्छी आ रही है। तो आपका वो सुल्तान जी, एक्चुअली 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 प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, कॉल्स आ रहे हैं और जब हम वो कट कर रहे हैं तो फिर वॉइस गायब हो रही है। जी 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 जी, समझ रहे हैं बात? समझ गया, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं उसको, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो आपका इतना अच्छा खासा वो हमारे शादा भाई का आप पे चल रहा था, बीच में ये कुछ मामला बेसुरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपके सिर्फ हम एक्शंस देख पा रहे थे, आवाज नहीं सुन पा रहे थे। एक्शंस में मजा आ रहा था, ये बात सही है, लेकिन गाना भी सुनाई देता तो और मजा आता। पर थोड़ा सा तो गाना सुना था ना आपने वो? बिल्कुल 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 सुना था। सुल्तान, सुल्तान का नहीं सुन पाए?
वकील भाई हेलो जी जी सर सुल्तान का नहीं सुन पाए सुल्तान नहीं नहीं वो एक मुलाकात सुना था ना आपने हाँ वो सुना था जी। वो सुना था। उसमें जो मैंने रश के कमर ज्वाइन किया था वो नहीं आ पाया वो नहीं सुन पाया सर वो निकल गया अरे क्या हुआ हेलो हेलो वकील भाई जी विनीत जी 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 सुन रहे हैं हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं आपको उनकी कॉल ज्यादा आ रही है लगता है या तो एयरप्लेन मोड पे करते हैं किसी पे करते हैं जिससे कॉल थोड़ी कट हो जाए कोई नहीं चलिए मेरे ख्याल से फिर जुड़ेंगे वो जब तो फिर देखा जाएगा तो विनीत जी मेरा तो यही निवेदन है हमारी भारत सरकार से हमारे पीएम साहब से और हमारे राजस्थान के सीएम साहब उनसे भी कि बराए करम वो कलाकारों के बारे में सोचें कि कलाकार कहाँ जाएगा वो कैसे खाएगा किस तरह सरवाइव करेगा तो जिस तरह और चीजें शुरू की हैं उस तरह संगीत को भी बराए करम शुरू कर दें ताकि हर आदमी अपनी जीवनचर्या को शुरू करे बिल्कुल 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 जी सर वापस आए सरदार साहब जी 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 सर वहीं से शुरू करें जहां पर हम थे आप जहां से मर्जी शुरू करें सर शुरू कर दें बस हम लोगों से रुका नहीं जा रहा बेहिजाबा ना वो सामने आ गए बेहिजाबा ना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई बेहिजाबा ना वो सामने आ गए बेहिजाबा और जवानी जवानी से टकरा गई बेहिजाबा वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश पे कमल हो मेरे रश पे कमल तूने पहली नजर मेरे रश पे कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश पे कमल मेरे रश से कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश से कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया ओ बरख जी गई काम नहीं कर गई मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई गया
बहुत बढ़िया क्या वेरिएशन आपने दिया इसमें, जो मतलब सुन के जो है बहुत सुकून मिला। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुल्तान भाई जान। अच्छा सुल्तान वाला भी बिल्कुल आपका हुक्म, जैसा आप कहेंगे। अरे आप बड़े भाई हैं, आपका हुक्म टल थोड़ी ना सकता है। मैं चाहूंगा एक गाना, वो भी होगा सुल्तान भी होगा, वकील भाई जी, ये अल्तमश एक गाना गाता है, ये पाकिस्तानी सॉन्ग है। मैं चाहूंगा इतने सुरीले लोग सुन रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि विनीत जी जो हैं वकील भाई के फैन हैं, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है और इसको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि विनीत जी कितने सुरीले हैं। तो वकील भाई से मैं चाहूंगा, मुझे तो आप सुनते रहते हैं, मैं चाहूंगा अल्तमश को सुने आज प्लीज। अल्तमश छोटा भाई मेरा, और इसके लिए दुआ करें वकील भाई, विनीत जी इंशाल्लाह इसको अभी अपकमिंग बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे भाई? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे आप दोनों को। थैंक यू भाई, शुक्रिया। लीजिए अल्तमश। हेलो 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 हेलो, इधर आ जाओ। हेलो हेलो, इजाजत है भाई? जी सर प्लीज शुरू करें। रात घनेरी बदन कड़ियां वे, रात घनेरी बदन कड़ियां वे, बाजू की मुश्किल अड़िया, बाजू की मुश्किल अड़िया, सुबह कमारा रात को बाजू की मुश्किल अड़िया, मुश्किल अड़िया रोज मनाऊं एक ना माने, रोज मनाऊं एक ना माने, सजन देवत बान साड़ी, सजन देवत साड़ी की कर आखा छड़वे अड़िया, की कर आखा छड़वे अड़िया, सजन देवत बा साड़ी, सजन देवत बा। वाह बहुत बढ़िया, साड़ी सजन दे हत बा, सजन देवत बा साड़ी, सजन देवत सजना, सजना
कमाल हो गया सर, ये तो मतलब पहले ड्रीम था कि मोहम्मद वकील साहब जब भी कभी मौका होगा तो लाइव सुनेंगे उन्हें, अब एक ड्रीम और जुड़ गया कि आप लोगों से कभी मुलाकात हो और ऊपर वाले ने साथ नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल मौका भाई आपके साथ बैठ, दोनों भाई अपने बड़े भाई के साथ ही आएंगे इंशाल्लाह फिर आपके पास। बिल्कुल सर हम वेट करेंगे। और भाई भाई जाते जाते सुल्तान का गाना जरूर चाहेंगे हमारे भाई सब लोग। हम ठीक है भाई, चलिए सुल्तान हो जाते हैं। चलिए ये फरमाइश, जितने भी ऑडियंस जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपका प्यार आपकी मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त निकाला अपने भाई के लिए। कैसी बात कर रहे हैं भाई, आप सिर्फ हुक्म करें, आप बड़े भाई हैं। ये तो मैं माफी चाहूंगा कि हालात और सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी कि जिसकी वजह से इतना लेट हो गया, नहीं तो हम लोग बहुत पहले साथ में और अभी अब करते रहेंगे अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह। भाई कुछ नहीं विदम भाई, नहीं भाई विदम विदाउट विदम समंदर वीर चंद सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत भर दो रोगो भर जुल्लत भर दो बानो रे आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह ने जे धरती बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान सात आसमां चीरे अब दाद समंदर पीरे चल दाद सुरों कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो रोको पर जिद्दत है तो बांधो रे आज हथेली पे रख दी है जान। सीने में तेरे आग बानियां दी है, मेहनत की डोरी घोंसलों से बांधी है, पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू ही बन जाए तेरी मर्जी। आंसू और पसीना अरे है तो दोनों पानी चंदन सीने में तेरे आग बानी याद है। सॉरी मैं गाना भूल गया हूँ क्योंकि ढाई महीने के बाद गा रहा हूँ, ढाई महीने के बाद गा रहा हूँ, भूल गया। सीने में तेरे आग बानी याद है, मेहनत की डोरी घोंसलों से बांधी है, पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू को ही मिल जाए तेरी मर्जी। आंसू और पसीना अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी आंसू और तूफान, आत्मा चीरे समंदर पीरे जल दूसरों में कर देंगे ऐलान। सीरे में मेरे आग बानियां दी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है, पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू को ही बन जाए तेरी मर्जी। आंसू और पसीना अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। तू जितनी गहरी या कैसी दिल में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी गए मां। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह ने जे धरती बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान
सात आसमां चीरे सात समंदर चीरे चल सात सुरों में कर देंगे ऐलान हिम्मत है तो रोको और जन्नत है तो बांधो दे आज तेरी पे रखती है जान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ओ बीच में तेरा रे सुल्तान वेरी नाइस थैंक यू सो मच भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शादा भाई शादा भाई लम्हात तो ऐसे हैं कि हम चाह नहीं रहे कि आपसे विदा लें मगर मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूं और भाई जान मैं आपको बताऊं विनीत जी और वकील भाई ये गाना स्टेज पे गाए हुए तो 5 महीने हो गए हैं आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है और अभी वैसे लाइव गाए हुए 2.5 से 3 महीने बाद गाया मैंने आज तो मैं बहुत मजा आया जो अंतरे के वर्ड्स करेक्ट थे वो मैं 2 बार भूला दोबारा फिर मैंने अंतरा शुरू किया मुझे याद आते गए लेकिन मजा आया बहुत मजा आया थैंक यू सो मच भाई शादाब भाई अल्तमज भाई माय प्लेजर माय प्लेजर आप तशरीफ लाए और हमारे विनी जोरी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का आपकी जरनवाजी सर मैं तो सुनने में मुझे इतना मजा आया कि उसका कोई मोल नहीं है जल्दी मुलाकात होगी सर सब हमारे बड़े भाई बतुल भाई की मोहब्बत है अल्लाह इनको सलामत रखे ये हमारे हिंदुस्तान के वो नगीने हैं कि जिनको देख देख के बड़े बड़े लोगों ने रियाज शुरू किया ये मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ ये मैंने अपने कानों से सुना है अपनी आंखों से देखा है मैं नाम नहीं लूंगा वकील भाई ने वो गाना गाया है हमारे इंडिया में और हमारे देश के लिए हमारे हिंदुस्तान में कि जिनको देख के जिनको सुन के लोगों को लगा कि अरे इस तरह का गाना भी होता है इस तरह भी ताने इस तरह की हरकत होती है तो लोगों ने उसके बाद रियाज करना शुरू किया अच्छा इस तरह बिडार भी होता है लोगों को पता चला कि गाना बजाना सीखने से आता है क्योंकि लोग गा रहे थे इंडस्ट्री में बहुत गा रहे थे और बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा गाया सबको गॉड गिफ्ट है सब लोग ऊपर से लेके आए हैं कुछ लोगों ने मेहनत भी की है बट जिस तरह एक पेवर गाना जो क्लासिकल सीखा जाता है वो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि वकील भाई ने हमारी जनरेशन जो जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 25-30 सालों में वो वकील भाई ने माशाल्लाह शुरू किया अल्लाह इनको सलामत रखे और इन्होंने ऐसा गाना गाया कि उसके बाद बच्चों को और लोगों को रियाज करने की लग गई फिर लोगों ने रियाज किया तो देख लो आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ है आज हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे वकील भाई आज 5-6 साल के बच्चे भी हमारे हिंदुस्तान के रियाज कर रहे हैं और ऐसा ऐसा गाना गा रहे हैं कि लोग हिल जाएं लोग सुन के दंग हो जाएं हैरान हो जाएं तो रियाज करना बहुत जरूरी है इसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ मैंने भी आपको ही देखा है कि वकील भाई का रियाज वकील भाई की जो नॉलेज जो एक क्लासिकल के साथ गजल को एक लेके जाना कमर्शियल गाने को लेके जाना बहुत बड़ी बात है थैंक यू सर थैंक यू फिर मुलाकात होगी विनीत जी थैंक यू सो मच सी यू वेरी सून तो दोस्तों ये थे मोहम्मद वकील साहब शादाब फरीदी साहब और अल्तमश फरीदी साहब जिनके गाने आप लोगों ने जो है कई फिल्मों में सुने और जो जो बहुत ख़ास गाना जो आखिर में शादाब साहब ने गा के सुनाया सुल्तान फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था वो अपने आप में एक हिस्ट्री है तो ये मुलाकात जो थी ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने तैयार करी थी इसलिए शायद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हियर एंड देयर रहे तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा अगर थोड़ा सा और मेरे पास समय होता इसको शुरू करने से पहले तो हमने शायद इसको रिहर्स किया होता लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही शुरू होने से आधे घंटे पहले हम लोगों ने इसको प्लान किया तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहा लेकिन आई एम श्योर म्यूज़िक के लिए टेक्निकल ग्लिच मायने नहीं रखता जो अच्छे सुनने वाले लोग हैं उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता इधर उधर छोटी मोटी ग्लिचेस का तो अगर
आप लोगों को मजा आया हो जरूर बताएं, और हम फिर से अगली बार फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।